आज का टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होता क्या है? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर यूज फॉर काउंटिंग, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो हमारी काउंटिंग में यूज होते हैं? इन्हें हम क्या है, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें अब पॉइंट्स जो हमें ध्यान देना है वो क्या है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स वो कौन सा होगा? 1। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर वो कौन सा होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नंबर कौन सा होता है? द विच वी कैनॉट डिफाइन, विच वी कैनॉट काउंट, ओके। और तीसरा है कि ये नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं? सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये सारे होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। हमारा दूसरा टॉपिक है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब जो नंबर्स हमारे आते हैं वो होते हैं सारे होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे भी जो पॉइंट हमें रिमेम्बर करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा हमारा जीरो। हमारे काउंटिंग नंबर्स में क्या होता था? स्मॉलेस्ट 1, लेकिन हमारे होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? जीरो। इस केस में भी ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा? इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि होल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है? ये हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट, जो हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पहला होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा जो जीरो है वो तो हमारा ओरिजिन हो गया, यानी कि यहाँ जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये तो हो गया हमारा होल नंबर, ठीक है। और 1 से लेके के इन्फिनिटी तक ये क्या हो गया हमारा? नेचुरल नंबर्स, ठीक है।